नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। अगर बात करें यहाँ पर हम की डिग्री की कि क्या होता है डिग्री, आप याद रखिएगा डिग्री एडजेक्टिव एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। अब मैंने आपसे बोला कि डिग्री है तो डिग्री का मतलब होता है डिग्री इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच आर यूज, डिग्रीज आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच आर यूज टू कंपेयर बिटवीन आर अमंग टू आर मोर देन टू पर्सन प्लेस आर थिंग्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों के बीच में कंपेरिजन करने के लिए तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, आप बोलेंगे डिग्री का प्रयोग करेंगे, डिग्रीज का प्रयोग करेंगे। अभी जो डिग्रीज है एडजेक्टिव की वो कितनी होती है तो आप बोलेंगे देर आर थ्री डिग्रीज, तीन डिग्रियां होती है फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती है? पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से तीन डिग्री कुल होती है एडजेक्टिव की और इन्हीं तीन डिग्रियों का प्रयोग हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। अब फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये जो पॉजिटिव और सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है ये दो डिग्री ऐसी होती है जिनका उपयोग हम केवल और केवल दो के बीच में, जब भी हमें दो पर्सन प्लेस या थिंग्स के बीच में तुलना करना होता है कंपैरिजन करना होता है तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए नहीं करते, बल्कि जब भी कंपैरिजन दो से अधिक लोगों के बीच में हो, चाहे वो व्यक्ति हो वस्तु हो या स्थान हो, तो ऐसी कंडीशन में दो से अधिक के बीच में तुलना करने और उनमें से एक को सुपीरियर बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि जो सुपरलेटिव होता है वो किसके लिए होता है, आप कहेंगे मोर देन टू, दो पर्सन प्लेस या थिंग्स के बीच में, तो दो से अधिक पर्सन प्लेस या थिंग्स के बीच में तुलना करने और उनमें से किसी एक को सुपीरियर बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम बारी बारी से पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा करते हैं, कैसे इनका यूज होता है इसके बारे में भी फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो अगर हम बात पॉजिटिव डिग्री करें, बात अगर हम फ्रेंड्स पॉजिटिव डिग्री की करें कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो आप याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच आर यूज टू कंपेयर बिटवीन टू पर्सन प्लेस आर थिंग्स। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की एक शाखा है, एडजेक्टिव का एक प्रकार है जिसका प्रयोग हम दो व्यक्तियों वस्तु या स्थान के बीच में कंपेरिजन करने के लिए करते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर याद रखेगा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं और कंपेरिजन जब करेंगे तो कंपेरिजन का रोल क्या होगा, कैसे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो आप याद रखेगा यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है, मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, या जिसमें जिस सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, अगर वह कैसा है, आप बोलेंगे अगर वह अफर्मेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में उस अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी वो किसके बीच में रखी जाएगी, आप बोलेंगे एज और एज के बीच में रखी जाएगी। ठीक, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कंपेरिजन हो रहा है दो व्यक्तियों वस्तु या स्थान के बीच में, तो आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री को एज और एज के बीच में रखेंगे। लेकिन अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस में कंपेरिजन हो रहा है दो या दो से दो व्यक्तियों वस्तु और स्थान के बीच में, तो ऐसे कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी वो सो और एज के बीच में रखी जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, ये सो और एज है और यहाँ पर एज और एज है, तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी किस सेंटेंस में, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर दो व्यक्तियों वस्तु या स्थान के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है और ये क्या है आपका, बोलेंगे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कैसे, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो कैसे यहाँ पर हम तुलना करेंगे, आप जानते हैं कि चाहे तुलना या तो दो नाउन के बीच में होगा या दो प्रोनाउन के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा पहला नाउन हो जाएगा, फर्स्ट नाउन होगा या पहला प्रोनाउन हो जाएगा, पहला नाउन या पहला प्रोनाउन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इस नाउन या प्रोनाउन
कि अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वर्ब होगा यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एस का प्रयोग करते हैं, एस के बाद फिर हमारे यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है और पॉजिटिव डिग्री के बाद ये पॉजिटिव डिग्री फ्रेंड्स होती है और पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर क्या होता है, फिर आप एस करेंगे और एस के बाद हमारा जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है, चाहे यहाँ पर नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो, ये यहाँ पर हम दूसरे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला नाउन है। तो पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में तुलना अगर होगी तो या तो तुलना नाउन के बीच में होती है तो प्रोनाउन के बीच में होती है। तो जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा यहाँ पर हम पहले नाउन और प्रोनाउन को करेंगे, उसके बाद इस नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे और फिर पॉजिटिव डिग्री रखेंगे और पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर एस रखेंगे और एस के बाद यहाँ पर सेकंड नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं जिसके साथ तुलना की जानी होती है। ये तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का है, लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में अगर किसी सेंटेंस मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले हमारा जो पहला वाला नाउन या प्रोनाउन है ये होगा और उस नाउन और प्रोनाउन के बीच ये तो हमारा फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद फिर यहाँ पर हम एस का प्रयोग नहीं करते, यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम सो का प्रयोग करेंगे, सो के बाद यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, क्या रखते हैं फ्रेंड्स, आप बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, पीडी रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर यहाँ पर हम एस करते हैं और एस के बाद फिर हमारा जो सेकंड नाउन या प्रोनाउन जो भी है हम उस सेकंड नाउन या प्रोनाउन को करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है और फ्रेंड्स ये आपका किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का है। अब जरा सा आइए हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल देते हैं तो चीजें ज्यादा आसान और क्लियर रहेंगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, क्या लिखा फ्रेंड्स, सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया और सेंटेंस में मैं यहाँ पर दिया कि वह मेरे जितना, वह उतना बुद्धिमान है, वह उतना बुद्धिमान है जितना कि मैं, जितना कि मैं। एक सेंटेंस फ्रेंड देखे, यहाँ पर तुलना दो प्रोनाउन के बीच में हो रही है, किसके बीच में हो रही है, वह और मैं, ये दो प्रोनाउन है और इनके बीच में तुलना हो रही है। अब जरा से देखे यहाँ पर पहले वाला प्रोनाउन क्या है, पहला वाला प्रोनाउन यहाँ पर ही है और ही के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बोला आपको एस करना है, जिससे यहाँ पर दिखाइए यहाँ पर प्रोनाउन हुआ फिर ऑक्सिलरी हुआ फिर यहाँ पर आपने एस का प्रयोग किया, एस के बाद फिर यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री रखना है और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, ये बुद्धिमान है और बुद्धिमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइज या इंटेलिजेंट, तो आपने कहा ही इज एज वाइज, उस वक्त फिर आपको एस करना है और एस के बाद फिर दूसरा प्रोनाउन लेने यहाँ पर आई कर देना है। देखिए बहुत आसान होना, यहाँ पर तुलना हो गई पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से, क्या है ही इज एज वाइज एज आई। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस और दिया, इसको हटा देते हैं, अब क्या सेंटेंस दिया यहाँ पर मैंने दिया आपको कि राम सुरेश के जितना बहादुर है। अब दरअसल यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी किसके बीच में तुलना हो रही है, आप कहेंगे राम और सुरेश, इन दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है। अब अगर इससे तुलना करना होगा तो पहले क्या लिखेंगे, पहला नाउन करेंगे, पहला नाउन यहाँ पर राम है, राम चूंकि सिमिलर है, सिमिलर के साथ यहाँ पर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे, एस के बाद फिर हम पॉजिटिव डिग्री यानी बहादुर, ये बहादुर आपको पॉजिटिव डिग्री या ब्रेव करेंगे, ब्रेव के बाद फिर एस का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो आप करिए सुरेश। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राम इज एज ब्रेव एज सुरेश। ये तो हमारा सेंटेंस जब अफर्मेटिव है तब का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव होता तब हम क्या करते, तो उसके बारे में भी देखिए, इसी सेंटेंस को हम हटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा सेंटेंस क्या होता, सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव होता, मान लीजिए हमने यहाँ पर यह कहा कि रमा गीता जितनी बुद्धिमान नहीं है, जितनी बुद्धिमान या सुंदर नहीं, हम ये कहते हैं सुंदर नहीं है, जितनी सुंदर नहीं है फ्रेंड्स, कौन सुंदर नहीं है, आप बोलेंगे गीता सुंदर नहीं है, कौन सुंदर नहीं है, गीता सुंदर नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा इस चीज को हम ध्यान देंगे, राम गीता जितनी सुंदर, रमा गीता जितनी सुंदर नहीं है, यहाँ पर दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है, कौन सुंदर नहीं है, रमा सुंदर नहीं है, तो यहाँ पर पहले हम रमा कर देंगे, रमा के बाद फ्रेंड्स फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे चूंकि नेगेटिव वर्ड है, इसे नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम एस और सो में से अगर मैं आपसे पूछूं किसका प्रयोग होगा तो आप बोलेंगे एस का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर आपको सो का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रमा इज नॉट
सो अब उसके बाद पॉजिटिव डिग्री को रखना है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुंदर ब्यूटीफुल, फिर एस करेंगे और दूसरा प्रोनाउन, दूसरा नाउन क्या है, गीता, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गीता। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम जब भी करते हैं सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना करने के लिए, तो उसका प्रयोग दो तरीके से करते हैं, या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा या तो सेंटेंस निगेटिव होगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री को एज और एज के बीच में रखा जाएगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री को सो और एज के बीच में रखा जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स आइए दूसरा जो हम देखते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। तो अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें कि व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो आप कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री इज आल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू पर्सन प्लेस आर थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री भी एडजेक्टिव की एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हम दो व्यक्ति वस्तु या स्थान के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करने के लिए दो नाउन या प्रोनाउन के जब भी तुलना करेंगे तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, देन, TSN, देन का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आप कहेंगे यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या दिया, यहाँ पर जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा जिसके बीच में हम तुलना करते हैं, वो पहला नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसके बाद फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाएगी यानी प्राइमरी एडजेक्टिव हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स किसका प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर क्या करना है, आप बोलेंगे यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद यहाँ पर क्या करना है, आप दूसरे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यथा जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन है फ्रेंड्स उनकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ नाउन या प्रोनाउन जो पहला वाला होता है, उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया सुरेश, हमने यहाँ पर लिखा सुरेश मुकेश से अधिक या ज्यादा अधिक बहादुर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहादुर है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से अगर दिखाएं, दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है, कौन ज्यादा बहादुर है, सुरेश ज्यादा बहादुर है, इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सुरेश, और सुरेश के बाद यहाँ पर हम प्राइमरी एडजेक्टिव इसका प्रयोग करेंगे, सुरेश इस, फिर यहाँ पर हम करेंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं क्या होता है, कि अगर यहाँ पर बहादुर है, बहादुर का मतलब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेव, यहाँ पर क्या है, ब्रेव। तो अब दो चीजें यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव हो जाते हैं फ्रेंड्स जिनका पॉजिटिव, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पहले हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मोर का प्रयोग करेंगे या तो मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखें मोर जो है कंपैरेटिव फॉर्म होता है और मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ पर ब्रेव दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर ब्रेव कर सकते हैं, यहाँ पर मोर ब्रेव, सुरेश इज मोर ब्रेव, BRAVE, मोर ब्रेव। फिर यहाँ पर हम देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, दूसरा नाउन क्या है आपका, मुकेश है, यहाँ पर हम मुकेश कर देंगे। क्या हमारा ऑप्शन हुआ, यहाँ पर ऑप्शन हुआ हमारा, मतलब करेक्ट सेंटेंस क्या बना, सुरेश इज मोर ब्रेव देन मुकेश। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देता हूँ, मान लीजिए क्या, तुम, यहाँ पर मैंने दिया तुम मुझसे अधिक लंबे हो, तुम मुझसे अधिक लंबे हो, एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, अधिक लंबे हो। अब जरा सा यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर दो प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही है, पहला प्रोनाउन क्या है, यू है, सब्जेक्टिव फॉर्म में यू कर देंगे, उसके बाद यू के साथ प्राइमरी एडजेक्टिव आर का प्रयोग होता है, हमने आर कर दिया, यू आर। उसके बाद फिर अब यहाँ पर लंबा है ना, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म है, और टॉलेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यू आर हम टॉलर कर देंगे, क्या करेंगे, TALER, टॉलर। उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, देन, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या है, मी, तो मी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मी करेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखिए, क्यों, क्योंकि जिस पहला वाला मतलब देन के पहले आया हुआ प्रोनाउन या नाउन जिस फॉर्म में होता है, अगर वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो दूसरा नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ग्रामर का रूल बोलता है। तो मीन दैट यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे देन आई, क्या हो गया, यू आर टॉलर देन आई। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री भी क्लियर हो गई होगी कि कंपैरेटिव और पॉजिटिव के द्वारा कैसे हम दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट जो तीसरी डिग्री है हम उसकी बात करते हैं, वो क्या है आपका, वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री।
अगर फ्रेंड्स हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो आप याद रखेगा कि ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है ये क्या होती है। आप कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री इज आल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू कंपेयर नॉट बिटवीन बट एमंग मोर देन टू पर्सन प्लेस आर थिंग्स एंड टू टेल या टू प्रूव सुपीरियर ऑफ वन थिंग। क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री? आप बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री एक प्रकार की एडजेक्टिव होती है जिसका प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या स्थान के बीच में क्या करते हैं, आप बोलेंगे कंपेरिजन करने के लिए करते हैं और उनमें से किसी एक को हम सुपीरियर साबित करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेगा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जो मैंने अभी बताया कि इसका प्रयोग दो के लिए नहीं किया जाता है बल्कि मोर देन टू पर्सन प्लेस आर थिंग्स, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या स्थान के लिए हम तुलना करने के लिए करते हैं। अब अगर बात करें हम कि कैसे इसका यूज होता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेगा कि इसमें जब भी हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, पहली बात तो यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हम जब भी प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, यानी वी मस्ट यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते तो हमारा सेंटेंस एरर का शिकार हो जाता है और हमको इस चीज से बचना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके स्पॉटिंग एरर पूछा जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह होता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स यहाँ पर दी गई है तो उसका यूज हम कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला नाउन या प्रोनाउन होगा जिसकी हम तुलना करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, फिर हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है और फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होगा ना फ्रेंड्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट नाउन करेंगे, मतलब ये कोई दूसरा नाउन नहीं होता है बल्कि इसका जो पूरक नाउन होता है इसके बाद इसको कम्प्लीट करता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री नाउन का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कैसे, अभी आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखा कि अशोक प्राचीन भारत का सबसे महान शासक था। अब अगर मान लीजिए इसको मैं ट्रांसलेट शासक था, अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा इसे मैं बताऊं, आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रही ना, मतलब उस समय जितने भी शासक थे सभी शासकों के बीच में तुलना हो रही है और उसमें से अशोक को सबसे महान साबित किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा क्या है, अशोक प्राचीन भारत का सबसे महान शासक था, इसमें सबसे पहला नाउन क्या यहाँ पर है, अशोक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अशोका करेंगे, यानी अशोका। अशोका के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर अशोक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर पास्ट में जो प्राइमरी जल्दी होगी वो क्या होगी, वाज होगी। अब अशोका वाज, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमने बोला था कि आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, आप यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल द के बाद यहाँ पर सुपरलेटिव का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव यहाँ पर क्या है, महान पास्ट है ना, तो ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, यानी सुपरलेटिव फॉर्म ग्रेटेस्ट होता है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट कर देंगे, GRETEST ग्रेटेस्ट, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट। और फिर यहाँ पर करेंगे क्या फ्रेंड्स, किंग। अब देखिए किंग क्या है, किंग नाउन है ना, यहाँ पर किंग नाउन है और इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नाउन के रूप में हो रहा है, मतलब इसको पूरा नाउन के रूप में हम कह सकते हैं, इसको आगे पूरा कर रहा है नाउन, इसलिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग, अशोक सबसे महान खिलाड़ी था, महान शासक था। इसी प्रकार से एक दूसरा मैं अगर दूं आपको तो यहाँ पर जरा देखिएगा, दूसरा एक सेंटेंस देता हूं, वो सेंटेंस क्या है, मान लीजिए सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया कि लता सबसे सुंदर लड़की है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर लता है तो उसका मतलब बहुत सारी लड़कियां और सभी लड़कियों में तुलना की गई है जिसमें ये पाया गया कि लता सबसे अधिक सुंदर है। आप जरा देखिए यहाँ पर नाउन क्या है, आप बोलेंगे लता यहाँ पर नाउन है और लता के बाद फिर यहाँ पर क्या, लता सिंगुलर है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए आप इस कर देंगे लता इस। फिर फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पर, चूंकि आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है द, और फिर यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है ना, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनता फ्रेंड्स, इसलिए इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके पहले आपको क्या करना होगा, मोस्ट शब्द का प्रयोग करना होगा, यानी यहाँ पर आप करेंगे द मोस्ट और फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीफुल और फिर यहाँ पर गर्ल, जो पूरक शब्द गर्ल है वो क्या है, नाउन यहाँ पर है और ये नाउन इस सेंटेंस को कम्प्लीट कर रही है, तो इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री नाउन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव तीन डिग्रियां होती हैं जिनका प्रयोग हम
दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना करने के लिए फ्रेंड्स करते हैं। अब इसके बाद भी कुछ रूल्स या फ्रेंड्स, लेकिन इन रूल की चर्चा हम कल करते हैं, आज का वीडियो इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, कहां पर हम कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कुछ और भी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो लैटिन वर्ड से आते हैं, वो कंपैरेटिव होते हैं, अगर वो यूज होते हैं तो हम क्या देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में, या प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, क्या कंपैरेटिव फॉर्म के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है या नहीं होता है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनकी चर्चा सेकंड वीडियो में करेंगे। और आई होप सेकंड वीडियो में आपका जो एडजेक्टिव के रूल्स है, डेरी के रूल्स है, वो सारे के सारे रूल्स कम्प्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपको समझ में आया, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी करिए, और साथ ही साथ अगर नए हैं आप इस वीडियो पर तो इसे आप हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी पुश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, सबक खैर, टेक केयर।